हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्रिज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। अभी गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। अभी सुबह का टाइम है तो मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अभी फटाफट से। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद आज मुझे जाना है शॉपिंग करने भी। कर कर राशन पानी थोड़ा ख़त्म हो गया है तो वो लेने भी जाना है, तो फटाफट से मैंने सोचा कि नहाऊंगी बाद में, पहले घर का जो झाड़ू पोछा होता वो कर लेती हूँ। तो झाड़ू कर रही हूँ अभी मैं। और आप लोगों को इस रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इस बूढ़ी माँ की मदद किसने की और कैसे की, और वो कौन इंसान है जो सबकी मदद करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर। तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट से, उसके बाद क्या करना है पता आपको? आपको पता तो होगा ही, क्योंकि अभी घर का सुबह सुबह सिर्फ घर का काम होता है बहुत सारा हम लेडीज़ों के लिए। तो झाड़ू हमारा हो गया है, पोछा लगाने का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो मैं कांदा लेकर आई थी, वो मैंने थैले में भर के रख दिया था, जैसे कि वो ख़राब जैसा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो उसको धूप में रख देती हूँ, ऐसे खुले में तो ख़राब नहीं होगा। धूप में, पहले मैं धूप में रखने की सोच रही थी, लेकिन फिर क्या किया हमने, वहीं पे हवा पंखा चल रहा था, बस वहीं से नीचे एक बोरी होती है यानी कि थैली होती है, उसको बिछा कर यहाँ पे उसके ऊपर मैंने कांदा और लहसुन उसके ऊपर लगा दिया। इस तरीके से मैंने बिछा दिया और उसके ऊपर मैंने एक 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 करके कांदा और लहसुन लगा दिया, जिससे कि सड़ेगा नहीं। और वैसे भी मार्केट बंद है तो उसी हिसाब से अपनी सब्जियों को रखना चाहिए हमें। तो फटाफट से मैं रख देती हूँ, एक के ऊपर एक नहीं रखना है जिससे कि ख़राब हो जाएगी, तो ऐसे करके रखना है हमको। सारी प्याज और लहसुन है वो मैं सबको ऐसे करके रख देती हूँ। तो ख़राबी निकली तो उसको मैंने काट के भी अलग कर दिया था। अभी मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि नेट मेरे फ़ोन में, दिन में वीडियो अपलोड करती हूँ तो बड़ा बहुत देर में हो पाता है, इसलिए मैं जितनी हो सके छोटी वीडियो बना रही हूँ। तो अभी लहसुन को भी मैं ऐसे करके फैला देती हूँ इस तरीके से, इस तरह से ख़राब नहीं होगा। तो आपके घर में भी अगर पड़े हैं लहसुन, क्योंकि अभी एक साथ ले आते हैं लॉकडाउन की वजह से, क्या पता मार्केट कब बंद हो जाए, तो आप इस तरीके से रख दोगे खुले में तो ख़राब नहीं होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगता है। और अगर आप बहुत अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी मैंने बोला था आप लोगों को इसके मैं राशन पानी लेने के लिए जा रही हूँ, तो वहाँ पर देख लीजिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, देख लीजिए मेरे आगे कितने लोग खड़े हुए हैं। चाहे एक सामान लो चाहे थैला भर के सामान लो, लेना लाइन में लग कर ही पड़ेगा। तो मैं लाइन में खड़ी थी तो मैंने सोचा क्या करूँ, बहुत देर हो गया, एक डेढ़ घंटा हो गया था खड़े खड़े, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो सब लोग इस तरीके से देखने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रही है, पता नहीं ऐसा सब लोग देखने लगते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी कहीं भेजने के लिए बना रहे हैं, तो मैं उनसे बातें कर रही थी तो थोड़ी सी शूट करी। तो अब मैं बताती हूँ कि किसने की उनकी जो बूढ़ी माँ की हेल्प। तो वो है उषा दीदी हमारी, वो हर गरीब की हेल्प करती हैं। देखो वो ये माँ जी है, वो कितने मतलब घर की हालत देखिए उनकी कैसी है, तो वो अपना खर्चा नहीं चला पाती हैं, तो उषा दीदी ने उनकी मदद की और उनको पैसा दिया, 5,000 रुपये दिए उनको किसी ने भेजे थे उनकी हेल्प करने के लिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप हमेशा इस तरीके से सबकी मदद करते रहो, सबकी हेल्प करते रहो। ये बेचारी बूढ़ी माँ की आँखों में जो आँसू थे वो खुशी में बदल गए, खुशी के आँसू में बदल गए, वो सब उषा दीदी के कारण हुआ है। तो उषा दीदी को हमारे तरफ से सैल्यूट है। उषा दीदी सबकी, बहुत लोगों की मदद करती हैं, जो जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करती हैं। बस हम तो यही आशा करते हैं कि इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहें, सबकी हेल्प करती रहें जिनको हेल्प की ज़रूरत है। हम जैसे लोग तो नहीं कर पाते, चलो वो कर रही हैं तो उनको सैल्यूट है मेरा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।